हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ बर्णवाल, MBBS MD मेडिसिन। मैं BHU से हूँ। BHU से मैंने MBBS MD किया और विगत 11-12 सालों से यहाँ देवरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी जो हॉस्पिटल है वो जेल के पीछे, जिला जेल के पीछे दानोपुर देवरिया में स्थित है, जहाँ पर हर्ट और न्यूरो स्पेशली मैं देखता हूँ, बाकी और भी सारे जनरल मेडिसिन केसेज यहाँ हैंडल किए जाते हैं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसे इसकी रोकथाम हम कैसे करें। आमतौर पर हर स्वस्थ व्यक्ति अपना BP या हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? आखिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, इसका मतलब क्या है? हम किस अर्थ में लें कि हमारा BP कंट्रोल है या BP कंट्रोल नहीं है? मूल रूप से जब दिल धड़कता है तो हमारी धमनियों पर एक प्रकार का प्रेशर वो जनरेट करता है, जिसको हम ब्लड का प्रेशर या ब्लड प्रेशर या आम भाषा में BP बोलते हैं। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर बढ़ता और घटता रहता है। कुछ व्यक्तियों में अगर लगातार ये इसकी रीडिंग्स अगर बढ़ी हुई आती हैं तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। अक्सर यह समय बीतने पर उभरता है जो अस्वस्थकारक जीवन शैली अपनाने कारण होता है, जैसे कि जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते, जो धूम्रपान करते हैं, जो नशे का सेवन करते हैं या अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को इसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो लोग बहुत तनाव रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनको भी ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और आजकल तनाव के चलते ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज के युवा जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जो चाहते हैं बहुत तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ना, उनको भी बहुत सारी BP की परेशानी आजकल हो रही है। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या BP, ये आयु के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, क्योंकि आयु के साथ हमारी धमनियाँ सख्त और सक्रिय होती हैं, जिसकी वजह से जो धमनियों में प्रेशर है वो बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हमें हाई मिलता है। धमनियों में अतिरिक्त फैट जमा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हमको हाई मिलता है। अगर आपका कोई पारिवारिक इतिहास है, आपके परिवार में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो कुछ हद तक ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है। तो माता पिता अगर ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो अपना BP आप चेक कराते रहें और BP होने पर अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक से मिलें। नमक का अधिक सेवन करना भी ब्लड प्रेशर के लिए खतरनाक हो सकता है। जो लोग नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं उनका BP भी हाई रहता है। पोटेशियम से युक्त आहार जैसे कि ताज़े फल, सलाद, हरी सब्जियाँ, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनका सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और तनाव को अपने जीवन में कम से कम रखना चाहिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और भी इसके कुछ कारण हैं जो मैं आगे बताऊंगा। आगे बात करें तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का कभी कभी हमें प्रत्यक्ष कोई संकेत नहीं मिलता, जिससे मरीज को पता ही नहीं होता कि वो हाई BP का मरीज है। और इसलिए हम डॉक्टर्स इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि यह साइलेंट चुपचाप शरीर में पड़ा रहता है। जब तक हम BP की जांच नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता कि मरीज को BP है या नहीं है, इसलिए इसका जांच बहुत ही आवश्यक है। रेगुलर इंटरवल पे इसकी जांच कराते रहनी चाहिए। और कभी कभी जब इसके लक्षण मिलते हैं, जैसे कि शरीर सिर में दर्द होना, थकान होना, कानों में झंझनाहट होना, या कभी कभी उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उल्टी का सेंसेशन होना, ये सब भी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं, जो कि मिल जाते हैं तो मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है। कई बार ये लक्षण नहीं मिलते तो मरीज डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी जांच कराती रहनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर मिले तो फिर आगे उसके लिए डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। सौभाग्य से आजकल हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ही अच्छा इलाज है। हमारे पास अच्छी अच्छी दवाएँ हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज अच्छी अच्छी दवाएँ हमारे पास हैं। हम इसको काफ़ी हद तक बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर नॉर्मली हम दो उसमें नापते हैं, दो रीडिंग्स में, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जो ऊपर का BP होता है, डायस्टोलिक मतलब जो नीचे का BP होता है। ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और नीचे का 70 या 80, ये इसका नॉर्मल लेवल है जो हमें मेंटेन रखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 यानी 140/90 यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक 90 अगर इससे ज़्यादा मिलता है या इसके आसपास रहता है,
तो हमें डॉक्टर की राय से इसकी दवाएं नियमित रूप से सेवन करना चाहिए दवाओं का, और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, जैसे कि नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और पोटेशियमयुक्त आहार लेना चाहिए, तनाव को कम से कम करना चाहिए। तनाव कम करने के लिए हम योगा या प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, सुबह उठकर व्यायाम जरूर करना चाहिए, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन कम से कम करना चाहिए या फिर उसको बंद कर देना चाहिए। अगर हम जीवन शैली में सुधार करते हैं और अपनी नियमित जांच कराते हैं, अपनी दवाएं रेगुलर खाते हैं, तो करीब करीब 100% चांस है कि हम अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं और इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इससे होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं? अगर हम जीवन शैली अपनी सुधार लेते हैं और अपनी दवाओं का सेवन रेगुलर करते हैं और नियमित जांच कराते हैं, तो करीब करीब 100% तक चांसेज हैं कि हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। व्यायाम एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको कंट्रोल करने का। कम से कम आधे घंटे की वॉक या कोई हल्की एरोबिक एक्सरसाइज, ये करने से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सकता है। बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें जो बीपी के मरीज हैं, बस ये कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्का फुल्का टहलना जॉगिंग करना, ये उनके लिए बेहतर है। जैसा कि मैंने बताया कि उम्र के साथ या आयु के साथ ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, तो अगर आयु बढ़ रही है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक हम बीपी को बिना दवाओं के कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर बीपी है तो फिर उसकी दवाओं का सेवन करना चाहिए। नियमित व्यायाम से स्वस्थ शरीर को बनाने में मदद मिलती है और मेरे विचार से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। व्यक्ति को सप्ताह के अधिकतर दिन कम से कम 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए और सुनियोजित तरीके से रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ आहार भी की बड़ी अच्छी भूमिका है इसमें। हाइपरटेंसिव मरीजों को सब्जी फलों समुचित अनाज का प्रयोग करना चाहिए, पोटेशियम युक्त डाइट जैसे ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां, ताजे फल, ये फल का जूस ये सेवन करना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। यदि आप सब्जियां और कम फैट वाले दूध उत्पाद इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो आप अपना बीपी 11 मिलीमीटर मरकरी तक डाउन कर सकते हैं, ऐसी स्टडीज में हमें मिला है। सोडियम की मात्रा यानी नमक की मात्रा हमें कम से कम लेनी चाहिए बीपी के मरीजों को। बीपी के जो मरीज नमक ज़्यादा लेते हैं उनमें बीपी ज़्यादा बढ़ा रहता है। नमक की मात्रा या सोडियम की मात्रा हम कम करते हैं तो बीपी को करीब 5 या 6 मिलीमीटर मरकरी तक हम डाउन कर सकते हैं। जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे आजकल प्रोसेस्ड फूड जो आते हैं बाहर के, उन पर हमें नमक की मात्रा का ख्याल रखना चाहिए। अगर सोडियम की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो हमें वो बीपी के मरीजों को नहीं खाना चाहिए। कुछ हाइपरटेंशन के मरीज अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास आके दबवाते हैं, लेकिन मेरी राय रहती है कि वो ब्लड प्रेशर मशीन, आजकल डिजिटल मशीनें आ गई हैं अच्छी अच्छी कंपनीज की जो अच्छी रीडिंग्स देती हैं, एक्यूरेट रीडिंग्स रखती हैं उनकी, वो अपने घर पर भी बीपी नाप सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो मरीज को डॉक्टर के पास आना नहीं पड़ेगा और दूसरा वो घर पर अपना नियमित रूप से जांच कर सकते हैं और किसी भी समय अपना सोते समय या दोपहर के समय अपना बीपी अलग अलग टाइम पर माप कर देख सकते हैं कि हमारा बीपी हाई होता है या नॉर्मल रहता है। कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस या बीपी के अन्य कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को एक सीमा के अंदर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ सामान्य ब्लड को लेवल को बनाए रखना काफ़ी हद तक संभव है, और उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाके राय लेनी चाहिए और अपनी दवाएं रेगुलर खानी चाहिए और समय समय पर अपनी जांच कराती रहनी चाहिए। तनाव का प्रबंधन हम ऐसे कर सकते हैं, विश्राम करने से और तनाव को नियंत्रित रखने का तरीका सीखने से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइट म्यूजिक या कुछ शांतिपूर्ण सुनना, सुकून भरा सुनना, यह बीपी को कंट्रोल करने में फायदेमंद हो सकता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार सामान्य से ऊंचा 140/90 से ऊंचा रहता है तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की दवाएं लेने के लिए कह सकते हैं। इन दवाओं का पालन बहुत ही जरूरी है और नियमित रूप से सेवन बहुत जरूरी है। तो अंत में तो मेरी आपको ये राय रहेगी कि आप अपनी दवाएं लेते रहें, दवा रेगुलर खाएं, बीपी की जांच रेगुलर कराएं और तनाव मुक्त जीवन जिएं। अंत में मेरा आप सभी को सुझाव रहेगा
कि चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हमें लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम या नियंत्रण कई तरीकों से किया गया है, जो मैंने पहले भी बताया, और कार्डियोवैस्कुलर जटिलताओं या और भी इसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। इसकी नियमित निगरानी और रोकथाम देखभाल करने के साथ सामान्य ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ाने में काफ़ी हद तक मददगार होता है।